राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुना रही हूँ जन्माष्टमी व्रत कथा। बंधुओं, इस कथा को सुनते ही मनुष्य की सभी पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कथा को सुनने के बाद राधे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको इस कथा को सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो। बंधुओं, सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। बंधुओं, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, मुरलीधर की जय हो, गोपाल की जय हो। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और आप सभी जानते हैं यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही मनुष्य पर कन्हैया की कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि हो सके तो यमुना के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल मनुष्य की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, फिर उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, फलों का, इमरती का, धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं, और हर भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। बंधुओं, पूरा दिन श्रीमद् भागवत गीता सुने, गोपाल चालीसा सुने, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुने। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे सादे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हांकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर
छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि आठवीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूरख, मुझे मारने से कुछ ना होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। तब यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका ना कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की आठवीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलो बाल गोपाल की जय हो, बोलो जय कन्हैया लाल की। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।